फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को घर में बनाया हुआ बच्चों का मनपसंद सबका हर दिल अजीज चिली चीज टोस्ट सिखाऊंगी, जो बाजार से हर हालत में सस्ता ही पड़ता है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं है। चीज चाहिए थोड़ा सा, एक टमाटो कटा हुआ स्लाइसेस में, एक प्याज, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो यूज़ कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत कीजिए। हरी मिर्च बारीक कटी हुई, क्योंकि इसका नाम ही चिली चीज टोस्ट है, मगर अगर बच्चे ज़्यादा ही छोटे हैं तो आप इसको भी हटा सकते हैं। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, कुछ मक्खन, और बाद में डालने के लिए इसके अंदर ओरिगेनो पाउडर, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल पिज्जा जैसा ही लगने लगता है। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये प्रोसेस चीज़ है। प्रोसेस चीज़ से मेरे को तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, वैसे आप मोजरेला भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस चीज़ है, इसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लीजिए, कम से कम 50 ग्राम, ये 100 ग्राम का पीस है, इसको हम 50 ग्राम कद्दूकस कर लेंगे। और फिर इसको अवन की ज़रूरत पड़ती है, अवन के अंदर ज़्यादा अच्छा बनता है। आप इसको पहले से आपके घर में कोई पार्टी है, किटी है, या आप ऑफिस भी लेके जाना चाहें तो वहाँ पे भी ले जा सकते हैं, और इसको वहाँ पे भी ताज़ा ताज़ा उसी वक्त ही गर्म करके खा सकते हैं। आजकल हर ऑफिस के अंदर अवन होता है, माइक्रोवेव होता है, मिनटों सेकेंडों में आपको कहीं से कोई सैंडविच मंगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ का बना हुआ, घर का बना हुआ बढ़िया सैंडविच खाने को मिलेगा। चिली चीज़ टोस्ट बिल्कुल होटल वाला ही टेस्ट आएगा। देखिए, इसके अंदर पहले से ही कुछ मात्रा में तो नमक होता है चीज़ के अंदर, तो मैंने इसीलिए आपको उस समय नमक नहीं बताया था, मगर फिर भी अगर नमक की ज़रूरत लगती है तो आप इसके अंदर एक पिंच सॉल्ट डाल सकते हैं, एक दो पिंच सॉल्ट। फिर हम इसके अंदर 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज मिलाएंगे, दो चम्मच हम इसके अंदर टमाटर के बारीक बारीक कटे हुए स्लाइसेस डालेंगे। मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालिए, और नहीं डालना चाहे, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालिए, और बड़ों के लिए है तो चिली बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। ये पूरी 2 कटी हुई हरी मिर्च है, इसको डालिए, और इसके अंदर हरा धनिया का बहुत अच्छा क्रंची फ्लेवर आता है। इन सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये खाने में ही अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और बच्चे तो चिली चीज टोस्ट के नाम पर ही एकदम भागे चले आते हैं, बिल्कुल भी कोई नानुकुर नहीं करते हैं, घर बैठे ही पिज्ज़ा का पूरा फ्लेवर मिलता है। अब देखिए, हम इसके अंदर बटर भी यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करना है, मैं आपको 4 स्लाइसेस में बताती हूँ कैसे करना है। थोड़ा बटर लेंगे, बटर से ये क्रंची हो जाता है, अगर बटर नहीं लगाएंगे तो उतना क्रंच नहीं आता है। नीचे की तरफ अच्छे से इसको बटर लगा दें। अगर बाजार का बटर लेते हैं तो उसके अंदर पहले से ही नमक पड़ा होता है, इसीलिए मैंने आपको पिज़्ज़ा के लिए अलग से नमक बताने के लिए नहीं बताया था पहली बार। अगर मगर ये मेरा, क्योंकि घर का बनाया हुआ बटर है तो इसके अंदर तो नमक नहीं है, इसलिए मुझे तो
डालना ही पड़ा थोड़ा सा। अच्छे से सब तरफ बटर लगा लेंगे। और इसके ऊपर जो हमने सामग्री बनाई है, तैयार की है, उसको अच्छे से, कंजूसी से नहीं, अच्छे से लगाएंगे। और हमारा जो पहले से प्री हीटेड अवन है उसके अंदर इसको रखेंगे। मैं इसको आपको सेट करके दिखाती हूँ। पहले हम ये दो स्लाइसेस रखते हैं। मैं अब 200 डिग्री सेल्सियस पर अवन को प्री हीट कर लिया है। इस प्री हीटेड अवन के अंदर मैं ये दोनों चीज टोस्ट रख रही हूँ। और अब इसको प्री हीट होने के बाद मैं इसको 180 पे कर दूंगी। और ये दोनों उस पर चल रहा था मेरा, नीचे से भी गर्म और ऊपर से भी गर्म। इसको क्योंकि मेरे को ऊपर से ज़्यादा क्रिस्प चाहिए नीचे की बजाय, तो इसलिए मैं इसको अब खाली ऊपर वाले पे ही रखूंगी 10 मिनट के लिए। अभी 5 मिनट और हैं, मैं पहले इसको चेक कर रही हूँ। देखिए अभी कितना अच्छा हो गया है। अगर आपको और क्रिस्पी करना है, कैसे बढ़िया तरीके से हो रहा है, अगर आपको इसको और भी क्रिस्पी करना है तो और 2-3 मिनट के लिए भी इसको रख सकते हो। इसको हमने बाहर निकाला। देखिए अब मैं इसको निकाल रही हूँ। गरम है, उठाने में प्रॉब्लम लग रही है। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया हुआ है। इसके ऊपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ऑरिगेनो डाल सकते हैं। और सॉस के साथ खाइए। ये कितनी क्रिस्पी क्रंची आवाज आ रही है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको खाने से इनकार नहीं कर सकते। आप भी देख बनाइए और खा के देखिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बताइए कैसा बना।